जनपद उत्तरकाशी में गंगा घाटी के ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली से परेशान होकर पीएम जीएसवाई कार्यालय के आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उग्र होते हुए अधिशासी अभियंता का घेराव करते हुए ऑफिस में ताला लगा दिया। साथ ही ग्रामीणों ने ढोल दमाओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर यह सड़क शुरू होती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने सड़क की सुध नहीं ली है। आपको बता दें कि सड़क पर 2014 में गंगोरी से गजोली तक के लिए बजट स्वीकृत हुआ है, लेकिन इसके बाद भी सड़क का खस्ता हाल बना हुआ है। कई बार इस सड़क पर हादसे भी हो चुके हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया और जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उत्तरकाशी से विनीत कंशवाल की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के नजदीक सबसे नजदीकी घाटी है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने इस घाटी के साथ हमेशा छलावा किया है। दोहरा नीति जो है इस क्षेत्र के साथ की है। हमेशा जो भी यहाँ से हमारा जो भी प्रतिनिधि रहा है, हमेशा सबने शासन में बैठे हुए लोगों ने हमेशा वोट की राजनीति की है। मानवता की राजनीति किसी ने नहीं की आज तक। लेकिन आज हमारा क्षेत्र, हमारी अस्सी गंगा घाटी का नौजवान मातृशक्ति आज जाग चुकी है और हम ये दोहरी नीति कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की जो उदासीनता है कार्यों के प्रति, एक तो टाइम भी और जो कार्य भी किए जा रहे हैं वो गुणवत्तापरक नहीं प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ कार्य उन्होंने जो किए हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी के कारण हमने उनके अनुमान को निरस्त करने के लिए प्रकरण 6 सितंबर को प्रेषित कर दिया था उच्च अधिकारियों को। तो सर, तस्तर से जो कार्रवाई होती है, जो भी आप लोगों ने तालाबंदी जो है जनाक्रोश है और इस पर तुरंत निर्णय लिया जाए।